न्यूज चैनल हो या सोशल मीडिया, हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है एक नाम, शबनम। शबनम नाम की चर्चा हर जगह की जा रही है, हो भी क्यों ना। शबनम आजाद भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्हें फांसी दी जा सकती है। आखिर कौन है ये शबनम और क्या किया है इन्होंने अपराध जिसके लिए इनको फांसी की सजा सुनाई गई है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति महोदय ने भी इनकी दया याचिका को खारिज कर दिया है। आज हम आपको बताएंगे शबनम नाम के इस महिला की पूरी कहानी अपने इस वीडियो में। जानने के लिए देखिए ये पूरी वीडियो अंत तक। अगर आप नए हैं तो कर दीजिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया 6 को सब्सक्राइब। नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यूज इंडिया 6 में। साल 2008 14 अप्रैल की रात एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर पूरा देश हिल गया। 15 अप्रैल की सुबह होते होते पूरे देश में यह घटनाक्रम आग की तरह फैल गया और लोग हैरत में पड़ गए। घटना थी एक ही परिवार के साथ लोगों की बेरहमी से हत्या, और यह घटना उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव में घटी थी। इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया उसी घर की सदस्य शबनम ने। शबनम ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्योंकि शबनम अपने घर के सामने काम करने वाले एक शख्स सलीम से बेहद मोहब्बत करती थी। उनका मोहब्बत इस कदर परवान चढ़ा कि शबनम प्रेग्नेंट हो गई। शबनम और सलीम दोनों शादी करना चाहते थे। शबनम ने अपनी ये बातें अपने घर पे बताई कि वो सलीम को पसंद करती है और सलीम से शादी करना चाहती हैं। शबनम के घर वाले सलीम और शबनम के रिश्ते से बिल्कुल भी राजी नहीं थे, क्योंकि शबनम ने जहाँ डबल एमए की पढ़ाई की थी और टीचर थी, वहीं दूसरी तरफ सलीम जो है कि केवल 5वीं तक पढ़ाई किया था और बेहद गरीब परिवार से ताल्लुकात रखता था। शबनम के घर वालों के नजर में शबनम और सलीम का रिश्ता बेमेल था, और वहीं दूसरी तरफ शबनम ये सोचती रही कि जब तक मेरे घर वाले रहेंगे तब तक शायद वो सलीम की नहीं हो सकती है। और यहीं से शबनम ने प्लानिंग शुरू कर दी अपने घर वालों को हटाने की। फिर एक दिन आया 14 अप्रैल 14 अप्रैल 2008 की रात। शबनम ने चाय बनाई, चाय में जहर की दवा मिलाई और वो चाय घर के सभी सदस्यों को पिलाया भी। जब घर के सभी सदस्य गहरी नींद में सो गए तब शबनम ने सलीम को बुलाया और सलीम की मदद लेकर कुल्हाड़ी से काटकर सभी सदस्यों की हत्या कर दी। अपने ही परिवार के 7 सदस्यों की हत्या की जिसमें एक नवजात भी शामिल था। मरने वालों में शबनम के माँ बाप, शबनम के 2 भाई, शबनम की एक भाभी, शबनम के मौसी की एक लड़की और एक नवजात शामिल थे। ये सभी 7 सदस्य शबनम के अपने सगे थे। जब शबनम को यह तसल्ली हो गया कि अब घर में कोई जिंदा नहीं है तो शबनम ने खुद ही शोर मचाया, जिससे कि गांव वाले पहुंचे और शबनम के घर का नजारा देखकर दंग रह गए। गांव वालों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और शबनम से पूछताछ भी की कि यह घटनाक्रम कैसे हुआ है। शबनम ने पुलिस वालों को बताया कि यह घटनाक्रम लुटेरों की वजह से हुआ है। घर में लुटेरे घुस गए थे और उन्होंने लूटपाट की और घर के सभी सदस्यों की हत्या कर दी। पुलिस वालों ने पूछा कि फिर आप कैसे बच गई, तो शबनम ने पुलिस वालों को बताया कि वो इसलिए बच गई क्योंकि वो बाथरूम में थी। पुलिस ने तफ्तीश की और पाया कि लूटपाट जैसी कोई घटना नहीं हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में बिल्कुल साफ हो गया कि मारने से पहले घर के सभी सदस्यों को जहर दिया गया था। पुलिस के शक की सुई अब शबनम की तरफ मंडराने लगी थी। पुलिस ने शबनम की कॉल डिटेल्स खंगाली तो ये पता चला कि शबनम ने उस रात को एक नंबर पर कई बार कॉल किया है। शक के आधार पर उस नंबर वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। वो शख्स कोई और नहीं, सलीम था। पुलिस ने सलीम से कड़ाई से पूछताछ की। सलीम टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। सलीम के बयानों के आधार पर शबनम को गिरफ्तार किया गया। शबनम से भी कड़ाई से पूछताछ की गई और शबनम ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसने ही अपने घर के सदस्यों की बेरहमी से हत्या की है। मामला अदालत में पहुंचा। लोअर कोर्ट ने शबनम को फांसी की सजा सुनाई। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने भी उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति महोदय के पास दया याचिका डाली गई, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी शबनम की दया याचिका को खारिज कर दिया। शबनम रामपुर जेल में बंद है और अपने फांसी की तारीख का इंतजार कर रही है। अब सवाल यह है कि शबनम को फांसी कब होगा, या फिर शबनम की फांसी को उम्र कैद में बदल दिया जाएगा। शबनम ने जेल में ही एक बच्चे को जन्म दिया था जिसकी उम्र अब 10 साल लगभग हो गई है। उस बच्चे ने भी यह अपील किया है राष्ट्रपति महोदय से कि प्रेसिडेंट अंकल मेरी मम्मी की फांसी को माफ कर दो। ऐसे तमाम पोस्टर और वीडियो आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा। दोस्तों इसी तरह का एक और केस हुआ था। सोनिया नाम की एक महिला ने अपने ही परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी थी अपने प्रेमी के साथ मिलकर, और उसको भी फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था। शबनम का केस भी सोनिया के केस से मिलता जुलता है, लेकिन शबनम के केस में फांसी की सजा बरकरार है। शबनम के वकील ने दोबारा दया याचिका डाली है, और यह दया याचिका भी खारिज हो जाती है तो शबनम के फांसी की तारीख मुकर्रर की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो शबनम आजाद भारत की पहली ऐसी महिला होगी जिसे फांसी दी जाएगी।
देश में महिलाओं को फांसी देने के लिए केवल एक ही जेल है और वो मथुरा जेल है, जिसे अंग्रेजों के जमाने में कभी महिलाओं को फांसी दिया गया था। आजाद भारत में आज तक किसी भी महिला को फांसी नहीं दिया गया है। अगर सबरम की फांसी बरकरार रहती है, तारीख तय हो जाता है, तो सबरम को मथुरा जेल में फांसी दी जाएगी। अब सवाल ये है कि सबनम को फांसी की सजा दी जाएगी या फिर सबनम की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाएगा। सबनम रामपुर जेल में बंद है और अपने फांसी की तारीख का इंतजार कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज इंडिया 6 में मंजूर आलम के साथ सबनम की कहानी। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे और देख रहे हैं ये वीडियो यूट्यूब पर, तो कर दीजिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया 6 को सब्सक्राइब। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पर, तो हमारे पेज न्यूज इंडिया 6 को कर दीजिए फॉलो। जाने के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।